77 से लेकर के हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे फलोदी को जिला घोषित किया जाए, और बालोतरा वाले तो बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं। मैं समझता हूं हम लोग निराश नहीं हैं। चलो बजट में घोषणा ना हुई, हम मुख्यमंत्री जी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब नहीं होगा तो अंत तक करेंगे। हम निराशावादी नहीं है, आशावादी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी मदन प्रताप जी को मोजड़ी पहनाएंगे, एक या बूट पहनाएंगे, एक या चप्पल पहनाएंगे, जरूर पहनाएंगे, ये मुझे अपेक्षा है। और हमारे फलोदी को भी जिला घोषित करेंगे। दूसरा माननीय सभापति महोदय, घोषणाएं तो घोषणाएं ऐसी कि जैसे स्वर्ग को धरती पर ला करके रख देंगे। वित्तीय प्रबंधन कहीं नहीं है, मात्र 4 माह का समय आपके पास में है। अप्रैल से शुरू होता है, मई तक जून तक आते आते आपकी शुरू होती है। कुछ होगी कुछ नहीं होगी, कुछ लेट ड्यूटी फी के अब चढ़ेगी, और सितंबर में आते आते आपके वो लग जाएगी आचार संहिता। 3-4 महीने में क्या कर पाओगे? ये अंतिम जो है ये बजट आपका है, ये सब जानते हैं कि चुनावी बजट है। और मैं निवेदन यूं करता हूं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है तब वो कहता है कभी गायों को चारा डालो, वो कहता है मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो, मैं थोड़ा थोड़ा चून डाल दो, खीड़ी नगर के ऊपर थोड़ा चून डाल दो ताकि वो धर्मपूर्ण हो जाए, क्योंकि उसको अगला स्थान दिख रहा है, उसको यहाँ से धराधाम से जाना है। ऐसी ही स्थिति इस सरकार की है। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार जाते जाते धर्मपूर्ण का काम कर रही है, अंत में जाते ऐसा कुछ कर रही है ऐसा लगता है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही संवेदनशीलता संवेदनशील मुद्दा हमारे लिए, विशेष करके विश्व समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला। आप किसी की संवेदना के ऊपर चोट भी करेंगे और वोट लेने का भी प्रयास करोगे, ये दो बात नहीं चलती है। माननीय सभापति महोदय, विश्व समाज जहां पर उनको नीले वस्त्र पहनना मना है, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, वासुदेव जी देवनानी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उन्होंने इसको इस रंग को बदला, नीले को और दूसरा रंग किया। मैंने डोटासरा जी से पहले कहा था कि आपको इससे एलर्जी है, इस रंग से आप कोई दूसरा रंग कर दीजिए, परंतु नीला रंग मत लाइए प्लीज आपके लिए। पर डोटासरा जी जो डोटासरा है उसने डोटा मार दिया और वापस नीला पहनने के लिए मजबूर कर दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हमारे जो शिक्षा मंत्री है बड़े विद्वान है, बात बात पर शास्त्रोक्त श्लोक वो बोलते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी किया है उन्होंने, परंतु ये श्लोक वो पता नहीं पढ़ नहीं पाए या जानबूझ करके उन्होंने आंख मीच ली। वो श्लोक है यथा स्नानम दानम जपो होमम स्वाध्याय पितृतर्पणम पंच यज्ञावृथा तस्य नील वस्त्र धारणम। आप नीले वस्त्र धारण करके ये 5 जो पुण्य है वो वृथा हो जाते हैं, और सरस्वती के मंदिर में जाकर के हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि वो नील वस्त्र धारण करके वहां पर सरस्वती की आराधना करे। इससे बड़ी बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मैं निवेदन करता हूं अब अभी समय है इस हमारी संवेदनाओं के ऊपर चोट ना करें और वापस इस रंग को बदल दें। वो हमारे वाला रंग मत करो, सफेद कर दो, कुछ भी कर दो, परंतु इस नील वर्ण के इस जो आपका रंग है इससे छुटकारा दिलवा दो। ये हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है, हमारे संतों के साथ में खिलवाड़ है। 10वीं से 12वीं बड़ी 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 घोषणा की हमने, इतनी 10वीं से 12वीं कर ली। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई 10वीं का स्तर रहा ही नहीं, कोई 10वीं का स्तर है नहीं पूरे हिंदुस्तान में, वो वहां पर किसने की है?
आठवीं से नई शिक्षा नीति के तहत आठवीं से सीधा दसवीं है, आपके दसवीं सीधा बारहवीं है, दसवीं का स्तर नहीं रहा, तो मजबूरन आपको करना था, केंद्र का ये आदेश था आपको, तो ये जो किया है ना इसको छोड़ दो, बाकी क्या किया ये पता आपको चलेगा। ग्रामीण विद्यालयों में आपने हमारे साथ में बड़ी शिक्षा की बात करते हैं, ये खोल दिए वो खोल दिए, हमारे वहां से सारे शिक्षक उठा करके और सारे शहरों के पास भर दिए एमएलए के दबाव के अंदर, एमएलए हमारे पास में रहना चाहिए, ये आपने कर दिया और हमारे स्कूलों को खाली कर दिया, 50% खाली है। और जब मुख्यमंत्री जी बजट का वाचन करने के लिए खड़े हुए, निश्चित तौर से हमारे जोधपुर के साथ में कोई षड्यंत्र हो रहा है, या तो राठौड़ साहब का आदमी कहीं पर वहां पर बैठा है, या आपके विरोधी गुट का वहां पर कोई व्यक्ति बैठा है जो जानबूझ करके 2023-22-23 का बजट आकर के रख दिया और कह रहे हैं कि एक ही पन्ना था, 8 मिनट में 2 पन्ने तो उन्होंने पढ़ लिए थे। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, उस अधिकारी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जोधपुर का अपमान किया उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान किया है, उस अधिकारी को ढूंढ रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं उसको, ये मान के चलना। जो इस प्रकार का तिरस्कार आपने इस पूरी पूरे हिंदुस्तान को बताया, 17,000 LED लगी हुई थी, मुख्यमंत्री का तिरस्कार करवा दिया आप लोगों ने, 17,000 LED के ऊपर लोग 1.5 घंटे तक ये तमाशा देखते रहे, ये 17,000, और दिल्ली से भी टीमें बुलाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम लोग बहुत अच्छा वजह कर, सारी क्रिकेट करवा कर रखवा दी इन अधिकारियों ने, उस अधिकारी को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट, तालियां तो बजा दो, मैं आपके ही पक्ष में बोल रहा हूँ। अच्छा भर्ती 1,83,000 और भर्ती की लाइन में 16 बार पेपर आउट हुआ है माननीय सभापति महोदय है, ये 16 बार नहीं है, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि कोई भी पेपर बगैर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हुई, सिस्टम ही ऐसा बना दिया माननीय सभापति महोदय। ये उदयपुर वाला भी इनकी इन, 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 इनकी सतर्कता से रोका नहीं है, ये पकड़े नहीं गए। उस बस के अंदर 2 लड़के पैसे नहीं दे पाए और पैसे नहीं दे पाए, उनको नीचे उतार दिया, उन्होंने शिकायत की उदयपुर SP को, तब जाकर के पकड़े गए। तुमने क्या किया आप, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के सभी पे ईश्वर करे 2 मिनट आप सात मिनट में शुरू हुआ हूँ माननीय कोई सुनने का यूं मत करो, 10 मिनट का समय है, 7 मिनट बजे आप शुरू हुए थे, 7 मिनट में शुरू हुआ हूँ, 5 मिनट हुए, समाप्त करें अपनी बात 2 मिनट में। मेरे को पता है जब आलोचना करूंगा तो यही होगा मेरा हाल। तो शारदीय विद्यालय हॉस्टल रसोई है, 5,000 लेता है पूरे दिन, तो रसोई करता है आपके 21-22 और 22-23 में आपने 3400 अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात कही है, 1625 खुल पाए हैं, 1775 नहीं खुले हैं, और 1,000 की और घोषणा कर दी है, क्या कर रहे हो आपकी, क्या है इन घोषणाओं का क्या मतलब है, और 200 रुपये जो आपके ड्रेस के दे रहे हैं वो उनके खाते में नहीं जा पा रहे हैं, पिछले साल चार साल में ना मिले लैपटॉप, हमारे अंतिम 2018 के अंदर 27,900 लैपटॉप दिए गए थे, एक भी लैपटॉप और टैबलेट नहीं दिया गया, ये हालत है आपकी योजनाओं की। इसी प्रकार से वसंत पंचमी को आपके गार्गी पुरस्कार की घोषणा करनी थी, वो भी ऑनलाइन कर दिया, कब होगी क्यों, और राज्य और जिला स्तर पर ब्लॉक के स्तर पर जो विद्यालयों को आपको वो करना था पुरस्कृत, वो भी नन्हे मुन्नों को दूध पिलाने की बात कर रही है, आपने हमारे पिलाते हुए दूध को बंद किया, आप सांप बंद करके 3 साल उस दूध को नन्हे बच्चों को दूध पी लिया तब जाकर के मोटे हुए, ऐसे थोड़ी हुए, और आप कह रहे हैं हम दूध पिलाएंगे, अरे दूध मत नहीं पिला रहे हो आप, आपने उन नन्हे बच्चों को भी, ये भगवान का रूप है, उनके साथ में आपने धोखा किया है। माननीय सभापति महोदय, युवा आज भी आपके 3500 रुपये के लिए तरस रहा है, पूछ रहे हैं आपसे, और इसी प्रकार से बेतहाशा जो बिजली की दरें बढ़ी, और एक कनेक्शन
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंदर हमने 18,000 गांव को बिजली के कनेक्शन दिए और आपने एक कनेक्शन उसके बाद नहीं दिया। सौभाग्य योजना के अंदर भी आपने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया और बिजली नहीं। मेरी एक मांग है माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज विराज जी सहयोग करें। शानदार सहयोग करें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके समर्थन में बोलने के लिए। एक ऐसा ऐतिहासिक बजट इस बार उन्होंने पेश किया है कि जिसमें तीन चीजें अपन देखें, एक विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया तो दूसरी तरफ रोजगार की तरफ देखा है उन्होंने, और तीसरा सामाजिक जो है कि आम व्यक्तिगत आदमी को कैसे लाभ मिले इस बजट में उसका ध्यान दिया है। व्यक्तिगत जहां